लेकिन जब से मैं दीपक जी को जानता हूँ तो ऐसे ही है, सफेद बाल भी थे लेकिन जब भी जवानी थी और आज भी जवानी है। तो क्या हुआ कि अंदर से थैंक यू दीपक, तूने सबकी उम्र बताई, अच्छा क्या मेरी उम्र नहीं बताई। लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि मैं कितने साल का हूँ। अगर तू बचपन से मेरा गाना सुन रहा है तो तूने बड़ी चालाकी से मेरी उम्र बता दी। और बड़ा अच्छा लगता है जब पुराने लोगों के साथ मिलते हैं, काम करते हैं, और जैसा सुनील ने कहा कि दीपक को जब से देख रहे हैं ऐसे ही है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जब तक देखेंगे ऐसे ही रहेगा। ये कहना चाहूँगा कि इनकी म्यूजिक की समझ बहुत ही है। आई विल नॉट जोक बट आई थिंक सो व्हेन द म्यूजिक ऑफ मोहरा रिलीज, ही वाज द फर्स्ट पर्सन आफ्टर द फंक्शन टू टेल मी विजू व्हाट एवर हैपेंस टू द फिल्म, बट द म्यूजिक विल डेफिनेटली डू वेल एंड आई होप यू हैव द सेम फीलिंग फॉर अस टुडे। ऑलवेज। लेकिन आज एक बात बोलूं कि स्क्रीन पे उन बच्चों को देखकर ऐसे लगा कि यार पॉलिश्ड है बच्चे, ऑलरेडी रेडी, तैयार आए हुए हैं। मुझे आज भी याद है मेरा पहला शॉट, याद रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना घबराया हुआ था मैं। मास्टर जी ने बचा दिया कि ब्रिज विज से कुदवा उदा के एक्शन करवा दिया और बचा दिया वहां पर। ये मास्टर जी हमारे अजीज दोस्त हैं, रवि दीवान जी। रवि दीवान जी आइए, आप अपने कहाँ हैं, आइए उठिए। नहीं, आपने बोला बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए मास्टर जी सोचे कि ये क्या हुआ। बड़ा बच्चा इधर मिलेगा नहीं। समीर ने भी मेरी हर फिल्म की, समीर के बिना कोई फिल्म नहीं हुई अभी तक। विजू के साथ मेरी तीसरी फिल्म है और रवि ने हर फिल्म की है, ये फिल्म भी रवि ने की है हमारे साथ। और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है, जो आप गौर से सुनिए, ये पैसे कभी नहीं मांगता। इसको आप सेकेंड हैंड गाड़ी दे दो तो भी खुश होके ले जाता है। Please call. I'd like to call on stage the debutantes and wishing you the very best, Mirza. Mirza. तालियाँ और ज़्यादा भी हो सकती हैं। And of course, the leading lady, Arshin. New pen. आपकी भी ये पहली पिक्चर है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, क्या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जब भी हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हमें फोकस करना जरूरी होता है, बी इट अचीविंग समथिंग, बी इट वॉन्टिंग समथिंग इन लाइफ। फोकस के बिना कुछ नहीं होता, और यही हमारी मूवी के बारे में है, द रैली एक्सपीरियंस। सो आई एम फ्रॉम साउथ बॉम्बे, मेरा कोई बॉलीवुड में कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो रिलेटिव, नो फ्रेंड एज सच। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन ऑफ यू, स्पेशली द मीडिया, फॉर मेकिंग दिस मोमेंट स्पेशल विद देयर प्रेजेंस। आई वुड लाइक टू थैंक दीपक सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, फॉर लॉन्चिंग मी इन हिज मूवी। I feel truly blessed by it. Thank you, Rohit sir. Yeah, for giving me this opportunity to and believing in me as a newcomer. I truly feel blessed about it. I would like to thank my co-stars, Mirza, Shizali, Sachin, the entire team of Rally. Give a big hand, please. जो रैली के ऊपर है, हम लोगों ने इतने डिफिकल्ट टेरेंस में शूटिंग की है, ऑलमोस्ट इन -6 -8, एंड वी हैव नॉट यूज्ड एनी स्टंटमैन और अ डुप्लीकेट कार, एक्चुअल रैली ड्राइवर्स, एक्चुअल रैली कार्स, एंड वी हैव गॉन टू प्लेसेस
where actually you can't go. You really can't go. It's so difficult. थैंक यू मेरे मीडिया के दोस्तों. सर मैं बहुत प्राउड हूँ. इससे बेटर मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती. बिकॉज मुझे कार इसमें भी बहुत इंटरेस्ट है, कार स्टंट्स में बहुत इंटरेस्ट है. तो जब मैंने स्टोरी सुना कि इसमें रैली इन्वॉल्व है, इसमें कार स्टंट्स इन्वॉल्व है और प्लस इन्होंने सुनील शेट्टी को लॉन्च किया है, तो मेरे लिए इससे बड़ा मौका हो ही नहीं सकता था. और मैंने विद इन फर्स्ट मीटिंग हम लोग का ओके हो गया था. सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट. पहले क्या था, हमारे जैसे डायरेक्टर फिल्म बना लेते थे और उसके लिए कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता था, बेचारा खरीद के लगा देता था, पिक्चर चल भी जाती थी. अब तो ऐसा है कि आपको फिल्म बनानी भी है और फिल्म लगानी भी. मतलब पहले हम प्रोड्यूसर्स को जब बजट देते थे बोलते थे यार ये 50 लाख में फिल्म बन जाएगी, अब उसको रिलीज तक की डेट बजट देना पड़ता है. अब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहे तो हो सारा बदलाव ये आ गया. तो ये लोड एक फिल्म मेकर पे आ गया. इसलिए देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी लोग, मेरे जैसे लोग तो घबरा गए भैया ये क्या है, मुझे हर आदमी को पैसा देना है और फिल्म रिलीज करने के. पहले ऐसा नहीं होता था. मुझे फिल्म रिलीज करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ही खर्चा करना. हमें कंप्यूटर क्या होता पता नहीं था. जिस चीज़ की आदत डाल देना तो आहिस्ता आहिस्ता आदत बढ़ जाती. तो किसी को तो शुरुआत करनी है. और रैली इस फिल्म की कहानी के साथ है. रैली का मतलब ये नहीं है कि रैली मिनिस्टर ने कर दी या हमने गाड़ियाँ चला दी. रैली ही हमारी लाइफ है. हम दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं हमें मालूम नहीं है, बस दौड़ रहे हैं. एंड डे तक नहीं पता होता. तो ये भी एक लाइफ की रैली है. तो आई एम कनेक्टिंग द टाइटल टू द स्क्रिप्ट. वी हैव टू मेक अ रोमांटिक फिल्म, बट सी अ वेरी क्लेवर फिल्म वॉज मेड कॉल्ड टाइटेनिक. एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के की कहानी थी. टाइटेनिक में क्या था, मतलब उसने एक देश चुना था टाइटेनिक जिसका इंटरेस्ट फॉर्म. अकल आई, हमको भी लगा कुछ ऐसा कुछ करें. हिमालयन रैली मेरे बचपन का शौक है. आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन हिमालयन रैली राइट फ्रॉम द एज. आई थिंक रवि वी वर इन फादर एग्नल टुगेदर. हमारा सर था जो हमें मैकेनिक सिखाता था, ही वॉज द फर्स्ट चैंपियन ऑफ हिमालयन रैली वे बैक 67. ओके, सिंस दैट डे इट केम टू माई माइंड आई मस्ट माई दिस इज माई कैरियर. आई वॉन्ट टू बी हिमालयन रैली ड्राइवर. But when I actually got into it and I got to know the cost of this game, we started withdrawing from that. Then I got a chance. We have to introduce sports. This is the most expensive sport in India and participations are from all over the world and it is so exciting and dangerous too at part.